वेलकम बैक टू पदमश्री लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम हो गया, कोई भी वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कोविड का। और सच बताऊँ तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं 15 दिन तक होम आइसोलेशन में थी। और जब 15 दिन तक आप घर में एक कमरे में बंद रहो ना और बाहर निकलो तो घर ऐसा लगता है कि हाय इतना गंदा पूरा घर हो गया है, पूरे घर में आपको सब कुछ डस्ट नज़र आती है। 15 दिन कैसे कटते हैं ना, बस पूछिए मत। सो मैं 15 दिन तक मैंने भी अपने घर की कोई सफाई नहीं करी, और अब जब मैं खड़ी हुई हूँ तो बस मुझे ऐसा लग रहा है हाय मैं कितना पता नहीं क्या क्या पूरा घर को कब कैसे क्लीन करूँ, जल्दी से बस साफ़ कर दूँ पूरे घर को। तो सोचिए, घर में दो बच्चे हों छोटे, और अगर आप इतने दिन तक घर में साफ़ सफाई ना करें तो घर की क्या हालत हो जाती है। तो आज मैं बच्चों के रूम को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ और ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो इसमें मैं उनका स्टडी टेबल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उनके टॉयज़ वगैरह, और साथ में उनकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हाल देखिएगा कि रूम का अभी फ़िलहाल क्या हाल कर रखा है उन्होंने। ये हालत देखिए, क्या स्टडी टेबल और कैसे क्या कुछ फैला रखा है बच्चों ने। एंड वार्डरोब भी दिखा दूँ मैं, कैसे हालत कर रखी है वार्डरोब की। सो ये देखिएगा कितने बुरी तरीके से वार्डरोब के भी हालत हो गई है ख़राब। ये इस तरीके से कुछ हम इसको भी ठीक करेंगे। सो क्लीनिंग का सबसे पहला मेरा रूल है, अपना रेडियो लिया और अच्छे से गाने लगाए और बस स्टार्ट हो जाओ। और क्लीनिंग के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो है ये, तो विम जो लिक्विड है जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, 2 चम्मच मैंने डाल लिया स्प्रे बॉटल में। और बच्चों के रूम में थोड़ी सी डस्ट ही होती है, ऐसा कोई चिकना तो है नहीं वैसे भी, बट फिर भी थोड़ा सा ये जो वार्डरोब की और यहाँ पे सनमाइका वगैरह है वो थोड़ी सी बच्चे कर देते हैं, पेंसिल वगैरह चला देते हैं, तो ये सब साफ़ हो जाएगी, वॉल भी क्लीन हो जाएगी, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो एक ही बॉटल काफ़ी है और बस कपड़ा हो जाइए शुरू। तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि कोविड का ऐसा टाइम चल रहा है कि आप अपने घर पे ही रहिए और स्वस्थ रहिए, और ये सबसे अच्छा टाइम है कि अगर आप बोर फील करते हैं घर में खाली रह के तो आप अपने सारे रूम की क्लीनिंग कीजिए, डीप क्लीनिंग कीजिए और फिर से रीऑर्गेनाइज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम थोड़ा सा भी किसी भी रूम में चेंजेस कर देते हैं ना, चीज़ों को इधर से उधर रख देते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है, रूम में नया लुक आ जाता है। मेरे इस रूम में कुछ ऐसा ही किया है मैंने, तो वीडियो पे बने रहिएगा और देखिएगा। सो डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, डीप क्लीनिंग का मतलब है हर एक चीज़ को मैं क्लीन करने वाली हूँ, वॉल पे भी मैं कपड़ा फेर के सारी डस्ट हटाने वाली हूँ और सभी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर डीप क्लीनिंग है तो हर एक चीज़ की क्लीनिंग बनती है। और कुछ चेंजेस करूँगी रूम में थोड़ा सा, ताकि कुछ न्यू सा लुक आ जाए रूम का, और टाइम टाइम पे ऐसा करते ही रहना चाहिए हमें ताकि हम बोर ना हों। ये देखिए कितनी बुरी हालत हो जाती है कॉर्नर्स में। अभी तो हमने उधर से बस सब कुछ खिसका दिया है और बेड पे ही रखा है, इधर स्टडी टेबल का भी पूरा ऐसे ही हल करना है, पहले सब कुछ खाली करना है फिर अरेंज करना है। आजकल माही को भूत सवार हो गया है क्योंकि फोटोकॉपी ज़्यादा करते हैं ना, और ये सारा दिन प्लेन बनाता है, ये इस तरीके से प्लेन बनाने सीख लिया इसने और सारा दिन प्लेन से खेलता है। देखिए हालत क्या कर रखी है माही। तो बच्चों से हेल्प लेने का तो नतीज़ा देख लिया आपने, काम फैल ही जाता है, बट वैसे भी मुझे ये सब क्लीन करना था एक बार अच्छे से। तो मैं हर वार्डरोब को अच्छे से क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ें निकाल के उनको फिर से अरेंज करना और हर एक चीज़ को क्लीन करना। तो ये जो विम लिक्विड मैंने आपको बताया ना, ये सही में अगर सनमाइका लगी हुई होती है हमारे यहाँ पे वार्डरोब वगैरह में तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है इस एक ही लिक्विड से। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्लीनिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के, तो सनमाइका पे ये अच्छे से काम करता है। बस विम की 2 चम्मच डालिए और देखिए सब कुछ सफाई हो जाती है। हाँ, स्टील के लिए और उसके लिए, स्टील के लिए आपको अलग से चाहिए होता है, बट ये जो सनमाइका है ये मैं इसी से साफ़ करती हूँ हमेशा। और फिर से आ गए हैं दोनों शैतान मेरे, तो ये जब मैं कुछ काम करती हूँ मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं, और ये बच्चों की खासियत होती है। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाती है और टाइम भी आपका अच्छे से पास हो जाता है, वरना क्लीनिंग में बड़ी थकान होती है। और बच्चे थोड़ी हेल्प करवा देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और ये तो उनका रूम है तो वो तो कराएंगे। और मैं आपको
सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप देखें और थोड़ा मोटिवेट हों कि हाँ डीप क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता है और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग, बट जो बाद में रिजल्ट निकल के आता है ना वो सारी थकान दूर कर देता है और काफ़ी अच्छा लगता है जब घर में सभी को ये चेंजेस अच्छे लगते हैं और आपको भी रिफ़्रेश हो जाते हैं आप कुछ नया लुक देख के। और बच्चों का रूम है तो बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ आइडिया मिलेंगे मेरे इस वीडियो से कि कुछ अरेंजमेंट की या क्लीनिंग के कुछ, तो आपको आप मोटिवेट होंगे।갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. फाइनली मैंने बच्चों का रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है और रूम की सारी चीज़ें मैंने डीप क्लीन करी हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज करी है, चाहे वो उनकी स्टडी टेबल हो या फिर चाहे वो उनकी वार्डरोब हो, तो हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर दिया है। लॉकडाउन का यही तो फ़ायदा है। और चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अब रूम को अरेंज किया है। I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. I'm going, going, going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 하. यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने स्टडी टेबल को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये जो बड़ी वाली यहाँ पे जो बच्चों के रूम में स्टडी टेबल बनवाई हुई है ना, ये सारा इधर मैंने सनी के लिए अरेंज कर दिया है कि यहाँ पे सनी अपनी स्टडी कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटर लगा दिया है और इस पर ये इस तरीके से क्लॉथ डाल दिया ताकि डस्ट वगैरह ना लगे इस पर इतनी। और यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाली जो बुक शेल्फ है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी और इसमें सारी सनी की बुक्स हैं। तो इधर इसे सनी के सारे रजिस्टर हैं, नोटबुक्स जो उसकी हैं वो सब हैं और ये सब उसकी बुक्स हैं। और ऊपर डिक्शनरी हैं, कुछ एक्स्ट्रा नोटबुक्स रखी हुई हैं और ये सारे टैडीज़ मैंने ऊपर रख दिए हैं क्योंकि मेरे बेटों को टैडी का शौक तो है नहीं और मैंने पहले इतने खरीद चुकी हूँ मैं, तो ये सब मैंने यहाँ लगा दिए हैं। और बहुत सारे टैडीज़ तो ऐसे हैं जो मतलब सनी के भी बर्थ से पहले के मैंने खरीदे हुए हैं। एंड यहाँ पे एक बुद्धा क्या मैंने लालटन रखा है कि अच्छा है, कुछ पीसफुल रहेगा बच्चों के लिए। और यहाँ पे ये देखिएगा, ये मैंने उसका नोटिस बोर्ड बनाया हुआ है। ये मैंने अमेज़न से, ये जो वायर बोर्ड आता है ना, इसको मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और इस पर ये जो पिंस लगी हुई हैं ये इसके साथ ही आई थी, ऐसी 10 क्लिप्स और भी मिल जाती हैं। तो बच्चों का जो अभी उनके यूटी होने वाला है तो उनका सिलेबस और डेट शीट है दोनों की, तो ये यहाँ लगी हुई है। कुछ सनी ने अपनी पिक्स लगाई हुई है, हमारी फैमिली पिक्स जो उसको बहुत पसंद है, उसकी छोटी सी लग रहा है इसमें। और ये उसने ड्रॉ करी है उस तरीके से, ये उसका नोटिस बोर्ड है जहाँ। और यहाँ पे एक वॉल क्लॉक भी लगा दी है मैंने। एंड यहाँ पे साइड में ये उसकी स्टोरी बुक्स हैं और ये कुछ उसके सारे, क्योंकि सनी अब 6th में है तो पेन से काम करता है, सारा उसका पेन से लिखना होता है, तो उसके ब्लू एंड ब्लैक पेन सारे इधर हैं। और ये पूरा स्पेस खाली है कि वो अगर कुछ भी लिखना
करना है, क्लास कर रहा है तो आराम से यहाँ पे कर सकता है। तो ये पूरी स्टडी टेबल इस तरीके से है, और यहाँ पे ऊपर भी क्योंकि इतना स्पेस है कि मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो दो टेडी उसके ऊपर रख दिया है यहाँ पे। और ये जो इधर एक बास्केट रखी है, इसमें सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने सारा सामान डाला हुआ है। और इस साइड में जो ये एक बास्केट है, इसमें मैंने सारा जो उनके स्केच वगैरह ड्राइंग से रिलेटेड सारा सामान है वो डाला हुआ है। इधर उसका पिगी बैंक रखा हुआ है, एक पिगी बैंक छोटा इधर भी है माही का। सो यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैंने इसको सारे बच्चों के जो गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, वो यहाँ ऊपर रखे हुए हैं। और जो उनके बॉक्सेज हैं कुछ एक्स्ट्रा, वो इधर रखे हुए हैं। इस पर भी सनी के पेंसिल बॉक्स और नोटबुक्स एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। और ऊपर भी कुछ जैसे उधर मैंने सारे एल्बम्स रखे हुए हैं, और इधर इस वाले कबर्ड में सारा इनका जो स्विमिंग का सामान है बच्चों का, अभी 2 साल से तो स्विमिंग हो नहीं रही है, तो इधर मैंने स्विमिंग के कॉस्ट्यूम वगैरह, उनके ट्यूब वगैरह, गर्ल्स वगैरह सब रखे हुए हैं। और नीचे देखिए, और यहाँ पे जैसे कि ये कीबोर्ड के लिए था ये स्पेस, तो यहाँ पे प्रिंटर के जो पेजेस वगैरह हैं वो रख दिए हैं। नीचे जो बच्चों के कुछ खिलौने होते हैं, जैसे माही खेलता है अभी भी, इनसे गन्स वगैरह रखी हैं उसकी। तो ये एक मेरी DIY बास्केट है, तो मैंने इस तरीके से बास्केट बना के उसमें सारे डम कर रखे हैं कि बस खेले और उसमें ही डम कर दे। इसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये यहीं रहती है, और ये मेरी स्विंग मशीन है, तो वो ये स्पेस उसके लिए बिल्कुल सही है, तो मैंने यहीं रखी हुई है उसको। बाकी इधर बच्चों के बैग्स वगैरह रखे हैं, खाली जो एक्स्ट्रा बैग होते हैं, स्कूल बैग, ट्यूशन बैग वगैरह, वो इसमें रखे हुए हैं मैंने सारे। और ये इस तरीके से मैंने इधर यहाँ पे माही की सारी पेंसिल बॉक्स एक्स्ट्रा, जो पेंसिल्स हैं, इरेजर, शार्पनर्स वगैरह, ये सब यहाँ रखे हुए हैं। सो इन ड्रॉर्स में सारा कुछ अच्छे से, पूरी इतनी बड़ी है कि ये इनकी जो स्टडी टेबल है इसमें अच्छे से सब कुछ अरेंज हो गया। और उनके सॉफ्ट टॉयज भी मैंने सारे इस तरीके से यहीं रख दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और इसको क्लीन करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि पूरा सनमाइका लगी हुई है, तो बस जो मैंने विम लिक्विड बताया ना, उसी से मैं इस सारे को क्लीन कर देती हूँ। तो ये पूरा स्टडी टेबल हो गया है सनी का। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और बहुत सिंपल तरीके से रखना पड़ता है क्योंकि दोनों बेटे हैं और दोनों तूफान हैं, तो कुछ भी डेकोर का सामान आप नहीं रख सकते हैं, बस जो उनकी बेसिक नीड्स है वही मैंने यहाँ रखी हैं। फिर आते हैं इधर, और ये देखिएगा, ये है माही की स्टडी टेबल। तो ये हमने बहुत पहले ली थी, ये बच्चे छोटे थे तो वो स्टडी टेबल बड़ी थी, ये पहले सनी के लिए ही खरीदी थी। माही अभी छोटा है तो इजीली यहाँ बैठ के वो राइट कर सकता है। और ये उसकी पेंसिल्स वगैरह, यहाँ पे उसका पाउच रखा है जिसमें उसके पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स वगैरह हैं, तो कैप्टन अमेरिका का उसको बहुत पसंद है, और बैग भी उसका कैप्टन अमेरिका का है। तो ये माही की सारी बुक्स रखी हैं उसके साइड में ही, और नीचे सारी उसकी नोटबुक्स वगैरह हैं, और बाकी ये टेडी वेडी, ये सब यहाँ पे एक बड़ी सी यूनिट है, शेल्फ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और अभी इतना नहीं है बुक्स, अभी बच्चे छोटे हैं, इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं रखनी होती, तो मैंने ये देखी ऊपर रख दिया है यहाँ पे बास्केट में, ये ऐसे लीव्स को हैंग कर दिया है, आर्टिफिशियल लीव्स को। और ये कुछ प्लास्टिक की ही जो बास्केट है, इनमें भी मैंने उनके ही सामान को ऑर्गेनाइज कर दिया है अच्छे तरीके से। और ये तो सनी की फेवरेट फिशेस, बचपन से उसको बहुत पसंद है, तो ये इस तरीके से रखी हुई हैं इस बास्केट के ऊपर ही। और ये डायनासोर भी सनी को बहुत पसंद है, तो ये सब इधर रखे हुए हैं। तो ये सारा जो कॉर्नर हो गया, ये माही का स्टडी टेबल हो गया। और यहाँ पर मैंने उनकी जो बचपन की, दोनों सनी की और माही की जो फ़ोटो है वो लगाई है, दोनों को बहुत पसंद है अपनी ये पिक। तो इस तरीके से ये माही का स्टडी टेबल और स्टडी कॉर्नर हो गया है, ये माही के लिए है इस साइड में। तो ये कैप्टन अमेरिका जो मैंने बताया माही का फेवरेट, वही बेडशीट मैंने लगाई है। और ये जो उनके कुशंस हैं कार्टून वाले, और ये काफ़ी क्यूट से हैं, और ये बहुत साल पुराने हैं, इनको 10 साल हो गए हैं। तो ये मैंने इटली से ख़रीदे थे, जब सनी पैदा भी नहीं हुआ था तभी मैंने खरीद लिए थे। और फिर ये ऊपर सेम वही सॉफ्ट टॉयज रखे हैं, यहाँ पे भी ये कुछ सॉफ्ट टॉयज हैं। तो मोस्टली जितने भी बच्चों के रूम में सॉफ्ट टॉयज और ये टॉयज वगैरह है ना, ये सभी मैंने इटली से खरीदे थे क्योंकि सनी वहीं पे पैदा हुआ था, और तब से ही खरीदे हुए हैं। ये वाला भी सर मैंने वहीं से खरीदा था। ये सारे मैंने इस तरीके से उनके बेड के ऊपर शेल्फ लगी हुई है, इनमें इस तरीके से डेकोर किया हुआ है उनके टॉयज वगैरह। और
और यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखो बच्चों ने क्या हालत कर रखी है, इस पर स्केच चला लेते हैं, मिलते भी नहीं है फिर भी। सो ये सनी की ड्रेस है, जब सनी पैदा हुआ था तो उसकी ये ड्रेस मैंने स्टैडू की पहना रखी है। तो ये सारे सॉफ्ट टॉयज थे लगाए हुए हैं, और ये वाले सेंटा हमेशा यहीं इनके जो बटन्स के यहाँ पे लटके रहते हैं, तीन सेंटा, तो ये हमेशा ही रहते हैं, क्रिसमस पे ही नहीं, हमेशा होते हैं इनके रूम में इस तरीके से। और यहाँ पे है इनका ब्लैक बोर्ड, कुछ पे लिखते रहते हैं। अभी मैंने इसको क्लीन किया है, काफी कच्चा गंदा किया हुआ था उन्होंने, लिखा हुआ था। और यहाँ पे ये विंडो है बिल्कुल स्टडी टेबल के पास में, काफी सारी, तो काफी सारी सनलाइट आती है, तो दिन में यहाँ पे लाइट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। और ये है फिर बच्चों की वार्डरोब, जिसको मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार खोल के, कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये भी मेरी बास्केट है, ये मैंने DIY करी हुई है बास्केट कार्डबोर्ड से और फैब्रिक लगा के। तो इसका मैं लिंक मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, अगर आप इस तरीके से बास्केट बनाना चाहते हैं या फिर आप ऐसे प्लास्टिक की यूज़ कर सकते हैं कपड़ा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने डिवाइडर लगाए हुए हैं, ये भी मेरे अमेज़न से ख़रीदे हुए हैं। और ये देखिएगा कुछ इस तरीके से मैंने ये इस पूरा इनको इनकी वार्डरोब को भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये सिर्फ इनके समर के कपड़े हैं, क्योंकि विंटर के कपड़े में और इधर बड़े बड़े ब्रीफ केस भर के रख देती हूँ ऊपर। और एक ही बास्केट DIY मेरी ये है, सो मैंने ये आपके साथ शेयर की हुई है। बाकी सो ये लॉन्ड्री बास्केट होती है, इसमें मैंने इनके बैट वगैरह दोनों के, स्केट बोर्ड वगैरह और ये सब बैडमिंटन वगैरह यहाँ पे रखे हुआ है इसमें सारा। और ये उनके रूम का डोर है ही, और इधर ये वॉशरूम है। सो इस तरीके से ये देखिएगा, यहाँ पे एक फिशेज की पेंटिंग लगी हुई है, क्योंकि मैंने बताया ना सनी की फिशेस फेवरेट हैं, बचपन से उसको बहुत पसंद है, तो यहाँ पे ये फिशेस लगाई हुई हैं। और यहाँ पे वॉल पे भी देखिएगा, ये स्टेंसिल से जो पूरा है वॉल का, इस पे भी मैंने फिशेस बनवाई हुई हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, तो ये स्टेंसिल से ही बनाई हुई हैं, पेंट की हुई है, काफ़ी अच्छी लगती हैं। पहले यहाँ पे इस छोटे वाला बुक शेल्फ था और ये सब मैंने चेंज कर दिया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से अब काफ़ी बड़ा स्पेस लग रहा है उस रूम में, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। एक कॉर्नर माही का स्टडी टेबल बना दिया है पूरा, माही इधर आराम से बैठ के अपना पढ़ाई कर सकता है। और फिर इस साइड में सनी का स्टडी टेबल बना दिया है, ये पूरा सनी का ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो ये देखिएगा पूरा रूम इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है, आपको कैसा लगा? तो मैंने पूरा बच्चों का किस तरीके से रूम को फिर से रीऑर्गेनाइज किया है, और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है इस बार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि 15 दिन तक मतलब बच्चों ने स्कूल को इतना मैसी कर दिया था। सो देखिए, सबसे पहले तो यही काम था कि पहले इनका रूम ठीक से ऑर्गेनाइज करूँ, क्लीन करूँ, तो मैंने पूरे रूम को अच्छे से डीप क्लीन किया है और ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो आपको बच्चों के रूम का ये ऑर्गेनाइजेशन वीडियो या डेकोरेशन या रूम टूर जो भी कहिएगा, कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ भी एक भी चीज़ अगर आपको रूम में पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा।